नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम रोज़ अपडेट आपको देते हैं कि फ्यूचर मेकर कि इसके बारे में क्या चल रहा और क्या न्यूज आई, किस न्यूज़पेपर ने क्या बताया, उसी के सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए आज एक और न्यूज़ लाए हैं फ्यूचर मेकर कंपनी की और अन्य जितनी भी है जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस है या कोई अन्य कंपनियां, उसके बारे में आज जो छपा है। लेकिन जो फ्यूचर मेकर का उसमें नाम दिया है वो बहुत ही गलत दिया है, क्योंकि फ्यूचर मेकर कंपनी इस तरह की कंपनी है जो टैक्स दे रही है, अपना टैक्स टाइम टू टाइम पे कर रही है, जब भी उसके पास नोटिस आता है तो वो जरूर पे करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब बात करते हैं उस न्यूज़ की जो आज न्यूज़पेपर में आई है, और वो भी सबसे गलत न्यूज़ है। तो नमस्कार दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर, जय राधे साहब। जो न्यूज आई है वो है धन दुगना करने वाली 9 चिटफंड कंपनियों को नोटिस, कंपनियों को 12 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का आदेश। तो दोस्तों, इसमें 9 चिटफंड कंपनियां हैं, उनको 12 अगस्त अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का टाइम दिया गया है। अब पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है टोटल। दोस्तों, इसमें दिया गया है चिटफंड वेब मनी लॉन्ड्रिंग कर रही 9 चिटफंड कंपनियों को लोक अदालत ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों को 12 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता वह जवाहर नगर निवासी परिवारवादी ब्रज किशोर पाल द्वारा दायर परिवारवाद को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विपक्षी कंपनी RPG ई ट्रेड डवस और गर्वित इनोवेटिव HTI मल्टी ट्रेड फ्यूचर मेकर और एवरग्रीन सरकार संस्कार क्रेडिट और उसके बाद राधा माधव कॉरपोरेशन विराट फ्यूचर के साथ ही कलेक्टर SP उपभोक्ता मामला विभाग रिजर्व बैंक प्रवर्तक आर्थिक अपराध शाखा और LDM कमिश्नर GST आदि को नोटिस भेजे हैं। परिवादी ने परिवाद में मांग की है कि ये कंपनियां अपने एजेंटों के जरिए ग्रामीणों को प्रलोभन व झूठे ख्वाब दिखाकर कम समय में निर्धारित राशि को दुगना करने के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य कर रही है। उक्त कंपनियां चैन सिस्टम से पैरामिड स्कीम बनाती है, रिजर्व बैंक व सरकार की बिना अनुमति के नियम फायदे कायदों को ताक में रखकर डायरेक्ट सेलिंग का आड़ में निवेश करती है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करके सरकार के राजस्व को चुना लगा रही है। परिवाद ने कहा कि प्रशासन द्वारा उक्त कंपनियों की संपूर्ण जांच होने तक कंपनी व उसके एजेंटों को उक्त अवैधानिक कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया जाए। परिवादी ने अधिवक्ता कमलेश लोहार व विनोद कसारा ने बताया कि कंपनियों का उक्त कार्य चिट्स प्राइज एवं मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के अंतर्गत गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य है। इसी तरह ही हिसार हरियाणा में संचालित कंपनी फ्यूचर मेकर को अवैध नेटवर्क ध्वस्त करते हुए कंपनी के निदेशकों को गिरफ्तार किया है। ऐसी कंपनियां धन बटोरकर फरार हो जाती है। परिवादी ने जनहित में प्रशासन से उक्त कंपनियों व उनके कार्यों को गहनता से जांच करने की प्रार्थना व लोक अदालत की है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी झूठ तो ये है कि कंपनी फ्यूचर मेकर कंपनी है, उसने टैक्स अपना पे किया था और उसके बाद उनको दोबारा नोटिस आया, उससे पहले कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया था। लेकिन कंपनी अपने जितना भी टैक्स था वो भरने के लिए तैयार थी। जब भी इनके पास नोटिस आया कंपनी के पास, उन्होंने तुरंत नेक्स्ट डे जितना भी टाइम दिया उससे पहले टाइम से पहले टैक्स पे कर दिया। तो ये बात फ्यूचर मेकर कंपनी के लिए, जो फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम दिया है वो बहुत ही गलत और सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर कंपनी टैक्स ना भरती तो उसको कभी बहुत ही पहले सील कर देते, क्योंकि जब भी कंपनी के पास इसका नोटिस आया तो उन्होंने टैक्स भरा। और दूसरा जो सेकेंड नोटिस आया
जो कमिश्नर है उन्होंने बताया था कि हमने सेकंड नोटिस भेजा और उसके बाद सील के लिए वहाँ पहुँच गए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने पहले जो टैक्स पे कर दिया था उसके बाद 12 करोड़ का टैक्स पे करना था, पहले 15 करोड़ का किया उसके बाद 12 करोड़ का फ्यूचर मेकर कंपनी टैक्स पे कर रही थी, उससे पहले तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी को सील कर दिया, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। 12 अक्टूबर को जो है मीटिंग होगी उसमें कंपनी अपना पक्ष रख सकती है, क्योंकि उसने पहले 15 करोड़ रुपये टैक्स किया और उसके बाद 12 करोड़ की जब टाइम आया तो उससे पहले कंपनी को सील कर दिया, तो इससे हमारे फ्यूचर मेकर के डिस्ट्रीब्यूटर और फ्यूचर मेकर कंपनी को कोई आंच नहीं आने वाली। जो ये खबर है वो सरासर गलत है और झूठ है। तो दोस्तों फ्यूचर मेकर कंपनी के लिए आज जो भी बताया गया कि चिटफंड कंपनी, वो सबसे मामला सब ठंडा हो चुका है, क्योंकि चिटफंड कंपनी जो जितना भी चेकिंग हुई है उसमें बता दिया गया कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, चिटफंड नहीं है, और ये कोर्ट ने भी मानते हुए ये डिसाइड कर दिया कि कंपनी चिटफंड नहीं है और प्रोडक्ट बेस है। ये सबसे प्लस पॉइंट कंपनी के लिए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी आपके पास कनेक्टिंग या ऑप्शन है उस पर आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और जल्द से जल्द कंपनी शुरू हो जिससे कि सभी की बेरोजगारी दूर हो और काम फिर से शुरू हो। जय भारत, जय हिंद।